तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लॉग इन किया और यहाँ पर मैं आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर रीजन पे आपको ब्राज़ील दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर यानी कि मेरा जो ब्राज़ील का सर्वर वो कनेक्ट हो गया और मेरा जो ब्राज़ील का आईडी वो क्रिएट हो गया है। और ब्राज़ील सर्वर में जो अभी मिस्ट्री शॉप भी आया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जो है मिस्ट्री शॉप भी यहाँ पर आया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी ब्राज़ील सर्वर की फ्री फायर आईडी बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और सब कुछ समझाने वाला हूँ कैसे आप ब्राज़ील सर्वर की फ्री फायर आईडी को बना सकते हो। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही जरूरी है, अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो आपका जो ब्राज़ील सर्वर का फ्री फायर आईडी वो नहीं बनेगा। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ही जरूरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गेम को लॉग आउट करके रख लीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने फोन में जो है प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है पांडा वीपीएन। यहाँ पर देख सकते हैं PANDA VPN पांडा वीपीएन आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पांडा वीपीएन। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल जैसे बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा आपके फ़ोन में। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि ये इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, ये स्कैनिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो स्कैनिंग वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर ओपन का बटन आ गया है, तो इसे ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको स्वाइप अप टू कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा और नीचे स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा ब्राज़ील, ब्राज़ील NOBT, तो इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाला ब्राज़ील जो SAO PAULO या कुछ भी है पता नहीं, तो इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, इसमें परमिशन दे देना और ये जो कनेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही फास्ट VPN है, ये थोड़ा 1 से 2 सेकंड में ही कनेक्ट हो जाता है। तो VPN कनेक्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, फिर से प्ले स्टोर को यहाँ पर सर्च कर लेना है और प्ले स्टोर को ढूंढने के बाद आपको उसको टैप करके रखना है प्ले स्टोर को। और प्ले स्टोर को टैप करके रखने के बाद आपको यहाँ पर ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ से आपको क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है और इसका डाटा को क्लियर कर देना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर प्ले स्टोर को सर्च करना है और प्ले स्टोर को सर्च करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड लेगा, 5 से 10 सेकंड, या उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर जीमेल का आइकन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स ये ओपन हो गया, उसके बाद जीमेल का आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है। तो ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेकिंग इन्फॉर्मेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्क्रीन लॉक वेरीफाई करना होगा। तो स्क्रीन लॉक वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर फिर से चेकिंग इन्फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर आपको ईमेल डालने के लिए बोलेगा। तो ईमेल डालने के लिए बोलेगा तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट, तो इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, तो आप अपना नाम डाल सकते हैं या आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ब्राज़ील, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम पे आईडी लिख देता हूँ, ये मेरा मर्जी है, आपका मर्जी जो भी है वो नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोलेगा, तो आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, वो 18+ होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 18+ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। और यहाँ पर जेंडर पर मेल फीमेल आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 2 जीमेल दिखाया जाएगा, आप कस्टम भी कर सकते हो। तो मुझे जो पहला वाला जीमेल वो अच्छा लगा, तो brazilid@gmail.com, तो मैं इसे ही अपना जो है जीमेल बना लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड डालना है, तो आप अपना मर्जी से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर यस आई मीन या स्किप आप दोनों में से एक पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, उससे आई एग्री कर देना है और ये जो आपका जीमेल वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्ले स्टोर को कट कर देना है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, प्ले स्टोर को फुल कट कर देना है और ध्यान रखना का आपका जो VPN वो कट ना हो, VPN आपका कनेक्टेड ही रहना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर हम फ्री फायर को ओपन कर लेते हैं, तो आपको भी यहाँ पर फ्री फायर को ओपन कर लेना है। तो ये हमारा जो है फ्री फायर वो ओपन हो रहा है, कुछ ही सेकंड में जो हमारा फ्री फायर वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्राज़ील का जो सर्वर वो या VPN जो है वो कनेक्ट है, आपको डिसकनेक्ट नहीं करना, नहीं तो जो आपका फ्री फायर आईडी वो ब्राज़ील सर्वर में नहीं कनेक्ट होगा, वो इंडिया में कनेक्ट हो जाएगा। एक बार भी अगर डिसकनेक्ट हुआ VPN तो वो जो है इंडिया में कनेक्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको VPN को डिसकनेक्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मोर पे क्लिक करना है, साइन इन करने के लिए मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपने जीमेल बनाया था यहाँ पर आप देख सकते हैं brazilid@gmail.com ये मैंने बनाया, तो इसे कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है लॉगिन हो चुका है। और लॉगिन होने के बाद यहाँ पर टैप टू वीजन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नेम पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर नेम अपना मर्जी से डाल सकते हैं या जो नेम आ रहा है उसे या फिर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना जो है चैनल का नाम यहाँ पर रख दूँगा,
तो यहाँ पर मैं टेक्निकल MKR यहाँ पर लिख देता हूँ और इसे जो मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं TEC टेक्निकल MKR, तो यहाँ पर AR जो वो गायब हो गया, तो यहाँ पर फिर से R यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो ID वो क्रिएट हो गया। हम फिर से टेप टू वीगन पे क्लिक करेंगे। जैसे टेप टू वीगन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ID वो लॉगिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ये ID है ये लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, वीगनर, इंटरमीडिएट और वेटरन, तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा ID वो लॉगिन हो चुका है। और लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सेटिंग में आपके क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मिशन का जो है ये ओपन हो गया, तो इसे कट कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में जाके दिखाते हैं, तो यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देख सकते हो जो ब्राज़ील, यहाँ पर फिर से आ गया ये वाला डेली का मिशन, तो यहाँ पर आ गया देख सकते हैं रीजन का जो है ब्राज़ील दिखा रहा है, यानी कि जो हमारा जो ID वो ब्राज़ील सर्वर में वो कनेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से अपना जो है ID वो ब्राज़ील सर्वर में बना सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो जो मिस्ट्री शॉप वो ब्राज़ील में यहाँ पर आया हुआ है, जो इंडिया में नहीं आया हुआ अभी तक मिस्ट्री शॉप। तो आप इसी तरह से जो है ब्राज़ील सर्वर में अपना ID बना सकते हो। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।